लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा था कि ग्रेडिंग कितने तरीके से हम कर सकते हैं, और हमने शायद कैपेसिटेंस ग्रेडिंग के बारे में थोड़ा सा आइडिया लिया था। ठीक है ना, कैपेसिटेंस ग्रेडिंग क्या होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम कैपेसिटेंस ग्रेडिंग ही पढ़ेंगे, उसके बाद हम इंटरसीथ ग्रेडिंग पे आएंगे। क्लियर। तो हमने देखा था कैपेसिटेंस ग्रेडिंग में क्या होता है कि आपको मोर देन वन डाइलेक्ट्रिक मटेरियल यूज करना पड़ता है। क्लियर। तो कैपेसिटेंस ग्रेडिंग भी दो तरीके से होती है। अगर हम कैपेसिटेंस ग्रेडिंग की बात करें, ये क्लियर है कि मोर देन वन डाइलेक्ट्रिक मटेरियल यूज। क्लियर। ठीक है, ये देखा था हमने। एंड अगर हम मेथड्स की बात करें तो इसको हम दो तरीके से देखते हैं, यानी दो मेथड्स हम इसके लिए पढ़ते हैं कैपेसिटेंस ग्रेडिंग में। मेथड्स क्या, मतलब मेथड तो सेम ही रहता है। मेन क्या होता है कि देखो, किसी भी मटेरियल का, अगर हम मटेरियल की बात करें, तो मटेरियल की दो चीजें बहुत मायने रखते हैं। एक, उस मटेरियल का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या है। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, क्लियर। और उसपे जो वर्किंग डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेस लग रहा है वो क्या है, वर्किंग डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेस क्या है। स्ट्रेस का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट जो बोल देते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोल देते हैं, वही आपका क्या है, वर्किंग स्ट्रेस है। ठीक है, तो मैंने तुम लोग को अगर याद होगा तो पहले भी बता रखा है कि वर्किंग स्ट्रेस या कोई भी आपका जो वर्किंग कंडीशन में वैल्यू है वो रेटेड वैल्यू अपॉन जो आपका सेफ्टी फैक्टर है उसके रेशियो के बराबर होता है। यानी वो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो भी होगा मटेरियल का, अपॉन सेफ्टी फैक्टर के बराबर होगा, या फैक्टर ऑफ सेफ्टी भी कहीं कहीं लिखा होता है। ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा। यानी अगर मैं ये मान के चलूं, मैंने बताया था पोटेंशियल ग्रेडियंट को हम जी से भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो स्मॉल जी की वैल्यू, अगर हम ये मान के चले कि हमारा आपका जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है उसको कैपिटल जी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो कैपिटल जी ठीक है अपॉन सेफ्टी ऑफ फैक्टर को हम एफ से मान लो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो स्मॉल जी की वैल्यू यानी वर्किंग स्ट्रेस की वैल्यू डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ और सेफ्टी फैक्टर के रेशियो के बराबर होता है। तो दो तरह से यहाँ पे कंडीशन निकल के आते हैं। पहला कंडीशन ये आता है कि आपका सेम डाइलेक्ट्रिक मतलब सेम आपका सेफ्टी फैक्टर हो, सेफ्टी फैक्टर फॉर ऑल द जो भी आप डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ यूज कर रहे हैं, अलग अलग परमिटिविटी का मटेरियल जो यूज कर रहे हैं सबके लिए सेम सेफ्टी फैक्टर हो, या दूसरा कंडीशन है सेम वर्किंग स्ट्रेस हो। वर्किंग स्ट्रेस का मतलब सेम पोटेंशियल ग्रेडियंट हो। ठीक है, तो दो चीजें यहाँ पे निकल के आई। एक आपका सेम सेफ्टी फैक्टर हो गया। सेम सेफ्टी फैक्टर होने का मतलब ये हो गया कि आपका जो ग्रेडियंट है, जो आपका पोटेंशियल ग्रेडियंट है वो डिपेंड करेगा, हमें क्या करना है, वर्किंग स्ट्रेस तो सेम ही रखना है, बट जो पोटेंशियल ग्रेडियंट है वो डिपेंड करेगा कि आपका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या है उस चीज पे। सेम सेफ्टी फैक्टर होने का मतलब ये हो गया कि एफ की वैल्यू हर जगह सेम रहेगी। ठीक है, सेम वर्किंग स्ट्रेस का मतलब ये हो गया कि जो मैक्सिमम पोटेंशियल ग्रेडियंट हमें जी मैक्स मिल रहा है, या हम ई मैक्स भी ले लेते हैं कहीं कहीं, ई मैक्स की वैल्यू हर जगह सेम हो। क्लियर। ठीक है, तो एक एक करके हम देखते हैं जरा कि क्या चीजें निकल के आती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने तुमको क्या बताया था कि हम यहाँ पे जो केबल यूज करेंगे वो सिंपली 3 लेयर का केबल हम यूज करेंगे। एक यहाँ पे हमने ले लिया कंडक्टर, यानी जिसको हम कोर कहते हैं, ये हमारा कोर हो गया जिसका रेडियस क्या है, स्मॉल आर के बराबर, ये रेडियस हमने स्मॉल आर ले लिया। फिर इस कंडक्टर के ऊपर हमने एक इंसुलेशन लेवल प्रोवाइड किया, ठीक है, फिर इसके ऊपर हमने एक और इंसुलेशन लेवल प्रोवाइड किया, यस, और एक और हमने प्रोवाइड कर दिया। इस तरह 3 लेयर हमने एज एग्जांपल दिया हुआ था, ये 4 लेयर भी हो सकता है लेकिन डिपेंड करता है कि क्या होगा।
जनरली अभी हम आगे देखेंगे ना, इस मेथड्स को हम प्रीफर नहीं करते हैं, इस क्या किसी भी ग्रेडिंग मेथड को हम प्रीफर नहीं करते हैं, उसके पीछे भी रीजंस हैं, अभी हम देखेंगे। तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे, तो यहाँ पे आप क्या देख सकते हैं, ये हमने क्या लिया, हमारा जो आपका कोर है, कोर का रेडियस हमारा स्मॉल आर है, ठीक है, एक लेयर लिया यहाँ पे हमने, एक लेयर लिया हमने यहाँ पे एप्सिलॉन 1 परमिटिविटी का, ठीक है, चलो इसको सिंपल बनाते हैं, एप्सिलॉन 1 परमिटिविटी, एप्सिलॉन 2 परमिटिविटी एंड एप्सिलॉन 3 परमिटिविटी, क्लियर। तो एक मिनट जरा होल्ड करिएगा आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पे 3 परमिटिविटी यानी 3 लेयर हमने यूज किया हुआ है, 3 अलग अलग डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का मटेरियल हमने यहाँ पे यूज किया हुआ है, क्लियर, ठीक है। एप्सिलॉन 1 परमिटिविटी, एप्सिलॉन 2 परमिटिविटी एंड एप्सिलॉन 3 परमिटिविटी, हम ये अज्यूम करके चल रहे हैं कि इसका जो रेडियस है वो R1 है, इसका जो रेडियस है वो R2 है, ये हमारा रेडियस R1, ये रेडियस R2, और जो आपका आउटर मटेरियल है उसका रेडियस हमने एज्यूम कर लिया ये कैपिटल आर, ठीक है, रेडियस ऑफ द आउटर पेरिफेरी इज द कैपिटल आर, क्लियर। तो यहाँ पे अगर हम ग्रेडियंट की बात करें तो ग्रेडियंट का जो वेरिएशन होता है ऑलरेडी हमने डिस्कस कर रखा है, ये कैसे वेरी करता है, ये सरफेस टू सरफेस वेरी करता है, फ्रॉम मैक्सिमम वैल्यू टू मिनिमम वैल्यू, ये ऑलरेडी हमने एक क्लास में डिस्कस किया हुआ था। तो यहाँ भी वही चीज है, ठीक है, दो तरीके से हम चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। हमारा मेन मोटो क्या है कि इस ई मैक्सिमम और ई मिनिमम के बीच के गैप को मिनिमाइज करना, उसको रिड्यूस करना, उसको जीरो पे लाना, लेकिन प्रैक्टिकली ये चीज पॉसिबल नहीं होता। तो जो आपका आपका जो रिलेशन आता है वो ई मैक्स से निकला, ये ई मिनिमम मिला, फिर आपको क्या मिलेगा, ई मैक्स मिलेगा, फिर आपका रिड्यूस होगा ई मिनिमम पे आएगा, फिर आपका ई मैक्स मिलेगा, फिर रिड्यूस होगा, फिर ई मिनिमम पे आएगा, यानी जो ये ई मैक्स वैल्यू या जी मैक्स वैल्यू है, कहीं कहीं किताबों में जी मैक्स दिया हुआ है, कहीं कहीं ई मैक्स दिया हुआ है, इसे कंफ्यूज मत होइएगा आप लोग, मैं यहाँ पे जी के टर्म में लेके चल रहा हूँ, क्योंकि ज्यादातर किताबों में पोटेंशियल ग्रेडियंट के टर्म में आपका स्ट्रेस दिया होता है, तो यहाँ पे जी मैक्स और जी मिनिमम के टर्म में, क्लियर, ठीक है। तो हमने लास्ट क्लास में भी देखा था कि आप अगर ग्रेडियंट निकालते हैं तो जी मैक्स, अगर जी की वैल्यू जो निकल के आती है, ठीक है, वो क्या आती है, जी मैक्स की वैल्यू क्या मानी, अगर हम जी मैक्स निकालते हैं, हमें चार्ज पर यूनिट लेंथ पता है क्यू है, तो क्यू अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन 1 इंटू स्मॉल आर, ये इस सरफेस पे अगर हम जी मैक्स निकाले तो उसकी वैल्यू क्या आगे, क्यू अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन 1 आर, ठीक है। फिर इसी तरह हम आगे बढ़ते जाएंगे, अगर हम आगे बढ़ते जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखो यहाँ पे हमेशा ध्यान रखना, कभी भी हम निकालते हैं तो आपको जो मैंने फॉर्मूला बताया था अगर आपको याद हो तो जी मैक्स की वैल्यू हमने निकाली थी, या ई मैक्स निकाला था हमने, ई मैक्स की वैल्यू हमने निकाली थी वी अपॉन आर एल एन समथिंग आर बाई आर, ये चीज हमने निकाली थी, याद आ रहा है आप लोग को, हेलो हेलो, ठीक है। तो ये चीज निकाली थी हमने, तो यहाँ पे जो आपको मैक्सिमम ग्रेडियंट मिल रहा है, अगर हम यहाँ पे वी की वैल्यू भी पुट करें चार्ज के टर्म में, तो वही चीज निकल के आएगी कि जो इसका, ये तो सरफेस है ना, सरफेस पे हमें निकालना है, तो सरफेस के आउटर पार्ट पे क्या परमिटिविटी है वो हमें पता होनी चाहिए। ये सिमिलरली अगर हम इस पॉइंट पे जी मैक्स निकालने जाएंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, वो भी क्या आएगी, क्यू अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन 2, यानी उसके बाहर परमिटिविटी क्या है, उसका रेडियस क्या है, R1 के बराबर है। तो इस पॉइंट पे यानी इस पूरे पेरिफेरी पे जो आपको ग्रेडियंट मिलेगा वो क्या मिलेगा, क्यू अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन 2 R1 मिलेगा। सिमिलरली आपको क्या मिलेगा, क्यू अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन
एप्सिलॉन 3 R2, क्लियर? ठीक है, तो ये हमें आपका ग्रेडियंट मिलेगा, जबकि जो आउटर एरिया हो तो ग्राउंड के कांटेक्ट में सीधे है, तो उसका वोल्टेज भी तो क्या होगा, जीरो के बराबर होगा, क्योंकि वो ग्राउंड के कांटेक्ट में है। तो हमने क्या देखा कि इस जी मैक्स को अगर सेम करना है तो उस केस में दो कंडीशन निकल के आया हमारे, कि एक बार हमारा पहला कंडीशन, कंडीशन वन हम देख रहे हैं, कंडीशन वन क्या कह रहा, सेम सेफ्टी फैक्टर हो, सेम सेफ्टी फैक्टर हो, सेफ्टी फैक्टर आपका सेम है, यानी एफ की वैल्यू सेम है, ठीक है। हम ये मान के चल रहे हैं, हमारी बात ध्यान सुनिएगा, मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूँ कि आपका जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है तीनों मटेरियल का वो अलग अलग होगा, G1, G2 और G3। ऑब्वियस सी बात है क्या होगा, G1, G2, G3 के बराबर होगा, क्योंकि अलग अलग डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ हो गए। लेकिन अगर मैं वर्किंग स्ट्रेस यानी मैक्सिमम वर्किंग स्ट्रेस की बात करूँ या पोटेंशियल ग्रेडियंट की बात करूँ, तो ये क्या आएगा, G1 इक्वल टू कैपिटल G1 बाई एफ, G2 इक्वल टू कैपिटल G2 बाई एफ एंड G3 इक्वल टू कैपिटल G3 बाई एफ के बराबर आना, कुछ अलग तो होगा नहीं, ठीक है। और अगर मैं इनका कंपेरिजन देखूं, G1 ये मतलब ये क्या है, सारे मैक्सिमम वैल्यू है ना, ये G1 मैक्स होगा, ये आपका G2 मैक्स होगा, ये आपका क्या होगा, G3 मैक्स होगा, ये मैक्सिमम स्ट्रेस होता है, ये चीज ध्यान रखिएगा आप लोग हमेशा। तो G1 मैक्स की वैल्यू क्या है, अगर मैं G1 मैक्स की वैल्यू निकालूं तो उसकी वैल्यू हमारी कितनी आती है, Q/2πε1R के बराबर, जो क्या होगा G1/F के बराबर होगा, ठीक है। सिमिलरली G2 मैक्स क्या आएगा, G2 मैक्स की वैल्यू Q/2πε2R1 के बराबर होगी, G2 मैक्स मतलब इस सरफेस पे, G3 मैक्स मतलब ये ब्लू वाले सरफेस पे, क्लियर, ठीक है। तो ये क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है कि G2/F के बराबर होगा, क्लियर। एंड थर्ड वन इज द G3 मैक्स, इसकी वैल्यू क्या होगी, Q/2πε3R2, और इसकी वैल्यू क्या होगी, G3/F के बराबर होगी। हमारा मेन कंडीशन क्या है कि हम ग्रेडिंग क्यों करते हैं, ताकि हमारा जो मैक्सिमम, ये जो G1 मैक्स, G2 मैक्स, G3 मैक्स आपने लिख रखा है, इन सब की वैल्यूज क्या हो जाए, बराबर हो जाए, मेन कंसीडरेशन यही है ना। तो बराबर होने का मतलब यहाँ पे सिंपल यही है कि आपको ये फैक्टर ऑफ सेफ्टी यहाँ पे सेम है, तो उस कंडीशन में आपको प्रोपोर्शनेट करना पड़ता है। सेम सेफ्टी फैक्टर अलग चीज है, सेम वर्किंग स्ट्रेस अलग चीज है, ठीक है ना। तो सेम सेफ्टी फैक्टर यानी एफ की वैल्यू सबके लिए सेम है, तो आप क्या करो, सिंपली आप क्या करो, यहाँ पे अगर 1/F की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो क्या आ जाएगा, Q/2πε1R G1 यही आएगा। यहाँ भी 1/F की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा, Q/2πε2R1G2, एंड यहाँ भी क्या होगा, 1/F इक्वल टू Q/2πε3R2G3। ये 1/F तीनों बराबर होगा, कब बराबर होगा, क्या रिलेशन निकल के आ रहा है, जब Q/2π तो कांस्टेंट है हर जगह, क्या होना चाहिए, अगर मैं इन तीनों का देख रहा हूँ, तीनों एक्सप्रेशन सेम हो मैथमेटिकली, तो क्या होना चाहिए, क्या निष्कर्ष निकल के आ रहा है, Epsilon R G1 की वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए, हेलो, Epsilon 1 R G1 की वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए, वेरी गुड, Epsilon 2 R1 G2 के बराबर, Epsilon 3 R2 G3 के बराबर, क्लियर है चीज, हेलो, यस सर, ठीक है। और हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि R इज लेस देन R1 इज लेस देन R2, ये चीज तो है ही, क्यों, कोर का रेडियस ऑब्वियस सी बात है कम होगा, पहले लेयर का रेडियस उससे ज्यादा, दूसरे लेयर का रेडियस उससे ज्यादा। तो अगर R इज लेस देन R1 इज लेस देन R2 है, तो यहां से क्या निष्कर्ष निकल के आएगा, अगर ये एक्सप्रेशन तुमको पता है तो, Epsilon 1 G1, Epsilon 2 G2 और Epsilon 3 G3 में क्या रिलेशन होगा, अगर R लेस देन R1 इज लेस देन R2 है, तो Epsilon G1, Epsilon 2 G2, Epsilon 3 G3 में क्या रिलेशन होगा,
हेलो हाँ ग्रेटर हो जाएगा, ठीक अपोजिट रिलेशन हो जाएगा, क्योंकि एप्सिलॉन वन जी वन इंटू आर क्या है, कांस्टेंट है ये। जब आर रिड्यूस होगा तो ऑब्वियस सी बात है प्रोडक्ट ऑफ परमिटिविटी एंड डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल मस्ट बी इंक्रीज। हेलो हेलो बच्चों आवाज आ रही है? ठीक यस सर। है, तो ऑब्वियस ही बात है कि अगर रेडियस आपके रिड्यूस हो रहे हैं तो मल्टीप्लीकेशन यानी मल्टीपल ऑफ परमिटिविटी एंड डायलैक्ट्रिक स्ट्रेंथ मस्ट बी इंक्रीज। या अगर आपका रेडियस इंक्रीज हो रहा है तो ये दोनों का प्रोडक्ट डिक्रीज होगा। क्लियर? तो यहां से आप क्या, एक अगर लैंग्वेज में इसको पिरोना है तो आप क्या लिखोगे? इस एक्सप्रेशन से अगर इसको लैंग्वेज में पिरोना है तो क्या लिखोगे, क्या लिखोगे? हाँ प्रोडक्ट ऑफ परमिटिविटी विटी एंड डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, डायलेक्ट्रिक ऑफ मटेरियल नियरेस्ट टू कोर क्या होगा? हेलो 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 सुशील, हेलो। जी सर, इज ग्रेटेस्ट देन आउटर सरफेस। हाँ, इज मैक्सिमम। क्लियर? ऑब्वियस सी बात है कि नियरेस्ट टू आपका जो भी परमिटिविटी और डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का मल्टीप्लिकल या फिर प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। और जैसे जैसे हम आउटर सरफेस की तरफ बढ़ते जाएंगे ये वैल्यू क्या होती जाएगी, रिड्यूस होती जाएगी, तुम देख भी रहे हो। तो इसको लैंग्वेज में पिरोना भी आसान है, लैंग्वेज बहुत टफ नहीं है। आपको बस यही टू कोर क्या प्रॉपर्टी आ रही है, उसके बाद क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है कि जैसे जैसे हम कोर से आउटर सरफेस की तरफ बढ़ते जाएंगे ये स्ट्रेंथ रिड्यूस होता जाएगा, यानी ये प्रोडक्ट रिड्यूस होता जाएगा। क्लियर? दूसरा क्या था कंडीशन, कंडीशन टू। अगर हम कंडीशन टू देखें तो वो क्या था हमारा, सेम वर्किंग स्ट्रेस होना चाहिए। वर्किंग स्ट्रेस कहीं कहीं वर्किंग स्ट्रेस बोल देता है, वर्किंग स्ट्रेस का मतलब क्या हो गया, सेम पोटेंशियल ग्रेडियंट होगा, सेम मैक्सिमम पोटेंशियल ग्रेडियंट होना चाहिए। यानी जो पोटेंशियल ग्रेडियंट की वैल्यू है या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू है वो सेम होनी चाहिए। यानी अगर मैं बोलूं यहाँ पे कि मुझे जी वन मैक्स, ये ई ही है, आप इसको ई वन मैक्स भी बोल सकते हैं, जी वन मैक्स की वैल्यू क्या होगी, क्यू अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन 1 इंटू आर। जी टू मैक्स की वैल्यू क्या होगी, क्यू अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन 2 इंटू आर वन। और जी थ्री मैक्स की वैल्यू क्या होगी, क्यू अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन 3 इंटू आर टू। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये तीनों वैल्यू सेम होंगी, यानी जो मैक्सिमम पोटेंशियल ग्रेडियंट है वो हर जगह सेम होगा। यानी जी वन मैक्स इक्वल टू जी टू मैक्स इक्वल टू जी थ्री मैक्स के बराबर होगा। क्लियर? यानी आपने क्या देखा यहां से, क्यू अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन 1 आर मस्ट बी इक्वल टू क्यू अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन 2 आर इक्वल टू क्यू अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन 3 आर टू। और एक कब पॉसिबल है ये तीनों वैल्यू बराबर हो, जब एप्सिलॉन 1 आर इक्वल टू एप्सिलॉन 2 आर 1 इक्वल टू एप्सिलॉन 3 आर 2 हो। क्लियर? ठीक है, यहां से भी क्या डिसीजन निकल के आएगा कि आपको पता है कि आर मस्ट बी लेस देन आर 1 मस्ट बी लेस देन आर 2 है। क्लियर? और आप ये देख रहे हो कि हमें ये कंडीशन फुलफिल करनी है कि एप्सिलॉन 1 आर इक्वल टू एप्सिलॉन 2 आर 1 इक्वल टू एप्सिलॉन 3 आर 2 हो, यानी ये समथिंग कोई कांस्टेंट के हो। कांस्टेंट के होने का मतलब क्या हो गया कि परमिटिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। तो यहां से क्या निकल के आ जाएगा, एप्सिलॉन 1 इज ग्रेटर देन एप्सिलॉन 2 इज ग्रेटर देन एप्सिलॉन 3। तो यहां भी अगर लैंग्वेज में पिरोना चाहोगे तो क्या लिखोगे, मटेरियल हैज मैक्सिमम परमिटिविटी विच बिल्ड नियरेस्ट टू द कोर। क्लियर? तो इसको अपने लैंग्वेज में लिख लोगे,
the material, the dielectric material used nearest to the core had highest permittivity for the grading of cable. Hello? 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 Am I audible or not? Yes, sir. ठीक है, तो मेरे ख्याल से आप इसको लैंग्वेज में लिख लोगे, कैसे लिखना है। अब हम बात करते हैं पोटेंशियल की, मेरा पोटेंशियल कितना आएगा, मतलब अगर मैं बात करूं वोल्टेज की तो वोल्टेज क्या होगा। क्लियर? तो वोल्टेज निकालने के लिए सिंपल ही करना हमें, हमें पता है कि वोल्टेज का एक्सप्रेशन क्या होता है। अगर मैं यहाँ पे निकालू तो मैंने तुमको अगर बताया था, याद होगा कि ई मैक्स की वैल्यू क्या होती है, ये हमने डिराइव कराया था, V अपॉन R इंटू ln R बाई R। क्लियर? ठीक है, इसी को हम G मैक्स भी बोलते हैं। E मैक्स कह लो या G मैक्स कह लो, G से रिप्रेजेंट करो या फिर E यानी इंटेंसिटी से रिप्रेजेंट करो, बात बराबर है। क्लियर? तो यहां से हम देखेंगे तो V की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, समथिंग G मैक्स इंटू R ln R बाई R के बराबर, यही आएगा। जहां पे भी क्या होता है, भी होता है जो आपका कोर होता है उसका पोटेंशियल, जो आपका एनर्जी ट्रांसफर होती है वो कितने किलो वोल्ट पे है, वो चीज आपका भी होता है। क्लियर? ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें, यहाँ पे अगर मैं ये एज्यूम करूं, मेरी बात ध्यान समझना है, यहाँ पे मैं ये अगर एज्यूम करूं, ये जो आपका पहला केबल है, ठीक है, कोर और पहले लेयर के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V1 है, ठीक है, दूसरे पोटेंशियल लेयर के बीच का वोल्टेज डिफरेंस V2 है और इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस V3 है, तो V1 का एक्सप्रेशन क्या आएगा, कौन बताएगा? हेलो, राशिका, राशिका, शैलेश, 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 राजन, राजन, सिराज, यस सर, क्या होगा V1 का एक्सप्रेशन? ये जो एक्सप्रेशन हमने निकाला था, ये डिराइव किया था, ये सिंपली कोर और उसके ऊपर एक इंसुलेशन लेवल था, उसके लिए डिराइव किया था, ठीक है। इंसुलेशन लेवल का मतलब क्या हो गया, इसका पोटेंशियल ग्राउंड लेवल पे होता है और इसका वोल्टेज V था, यानी इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया, V हो गया, ठीक है। ये रेडियस R थी और ये रेडियस कैपिटल R था, तो ये एक्सप्रेशन निकल के आता, अगर याद आ रहा हो तो लास्ट क्लास में हमने इसको डिस्कस किया था। वही लॉजिक यूज करके यहाँ पे बताना है मुझे कि ये पोटेंशियल डिफरेंस V1 है और मैक्सिमम ग्रेडियंट हर जगह सेम है, तो V1 की वैल्यू क्या आएगी, V1 की वैल्यू अगर हम देखें यहाँ से, मैं इसको नीचे ही कर ले रहा हूँ, चलो ठीक है, कोई बात। V1 की वैल्यू अगर मैं वहां से देखूं तो V1 की वैल्यू जो निकल के आएगी मेरी, वो क्या आएगी, V1 इक्वल टू जी मैक्स, जी मैक्स हर जगह सेम है, ये हम अज्यूम करके चल रहे हैं, जी मैक्स आर वन एल एन, आउटर सरफेस का रेडियस कितना है यहाँ पे, आर टू के बराबर, आर वन के बराबर, और कंडक्टर का रेडियस कितना है, आर के बराबर। क्लियर? जी मैक्स आर इंटू एल एन आर वन बाई आर के बराबर हो जाएगा। क्लियर? ये क्या हो जाएगा आपका, G max
इनटू आर एलएन आर वन बाई आर के बराबर, ये मेरा हो गया। सिमिलरली वी टू की वैल्यू क्या हो जाएगी, वी टू की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, अब रेडियस क्या हो गया, इनर रेडियस क्या हो गया आर वन और आउटर रेडियस क्या हो गया आर टू। वी टू की अगर मैं बात करूं तो इनर रेडियस क्या हो गया यहाँ पे, अगर मैं वी टू को बात करूं तो ये इनर रेडियस इसका आर वन हो गया, क्योंकि अब ये हमारे लिए पूरा एक केबल की तरह ट्रीट करेगा, और आउटर रेडियस क्या हो गया आर टू हो गया। तो ऑब्वियस ही बात है कि वी टू की वैल्यू जो निकल के आएगी वो क्या आ जाएगी, जी मैक्स इंटू आर वन एल एन आर टू बाई आर वन। सिमिलरली आपका तीसरे लेयर के लिए भी क्या हो जाएगा, वी थ्री इक्वल टू जी मैक्स इनर रेडियाई आर टू एल एन, आउटर रेडियाई क्या है जो आपका केबल का रेडियस है, आउटर रेडियस कैपिटल आर अपॉन आर टू, इक्वेशन नंबर थ्री। तो जो आपका नेट पोटेंशियल आएगा, आपका जो नेट पोटेंशियल होगा, नेट पोटेंशियल क्या होगा, नेट पोटेंशियल वी इक्वल टू वी वन प्लस वी टू प्लस वी थ्री के बराबर, इसकी वैल्यू पुट कर देंगे ये आ जाएगा मेरा जी मैक्स कॉमन ले लेंगे हम, जी मैक्स कॉमन ले लो, ब्रैकेट में आ जाएगा आर एल एन आर वन बाई आर प्लस आर वन एल एन आर टू बाई आर वन प्लस आर टू एल एन कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर टू। ये मेरा नेट पोटेंशियल आ गया V की वैल्यू। अच्छा ये बताओ, ये जो V, V1, V2, V3 है, ये मैक्सिमम वैल्यू है कि आरएमएस वैल्यू है, पोटेंशियल यानी वोल्टेज का मैक्सिमम वैल्यू है या आरएमएस वैल्यू है, एनीवन? कोई भी? उज्जवल, उज्जवल, सुशील यादव? यस सर, सर आरएमएस वैल्यू है। आरएमएस, आरएमएस वैल्यू है। यशवंत राणा? यशवंत, मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू है। क्यों बेटा, क्यों? सही बताया तुमने, लेकिन क्यों? मतलब कुछ हमने किया ही नहीं इसको आरएमएस कन्वर्ट करने के लिए, मतलब सब, मतलब देखो यहाँ पे सारी चीजें मैकेनिकल, अगर हम रेडियस वगैरह की बात करें तो रेडियस वगैरह से आरएमएस वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू का लेना देना नहीं होता है। यहाँ पे जो ग्रेडियंट है यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जो इंटेंसिटी है उसकी वैल्यू मैक्सिमम है, जब वो मैक्सिमम है तो उसके करेस्पॉन्डिंग जो भी वोल्टेज मिलेगा आपको वो मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा। ये क्वेश्चन आता है, इस पे एक न्यूमेरिकल आपको मिलेगा ही मिलेगा, आपको इंसुलेटेड केबल की ग्रेडिंग पे एक न्यूमेरिकल आता ही आता है। बच्चे क्या करते हैं, फॉर्मूला उनको दिमाग में रहता है, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं, आंसर निकाल के चले जाते हैं, जबकि वो वोल्टेज पूछता है, व्हाट इज द वोल्टेज ऑफ द केबल, क्लियर? तो वोल्टेज का मतलब होता है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू पूछने। तो ऑब्वियस ही बात है कि ये आपको जो वोल्टेज दे रहा है वो मैक्सिमम वोल्टेज होता है, नेट पोटेंशियल यानी ये मैक्सिमम वोल्टेज होता है, मैक्सिमम वोल्टेज बी इक्वल टू जी मैक्स समथिंग आ गया। अब आपको इसको रूट मीन स्क्वायर वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए रूट टू से डिवाइड करना पड़ता, ये चीज हमेशा ध्यान में रखिएगा, क्लियर? अगर मान लो हम ग्रेडिंग नहीं करते, विदाउट ग्रेडिंग, विदाउट ग्रेडिंग नॉर्मल कंडीशन है, मान लो क्लियर, नॉर्मल कंडीशन है आपका, ठीक है? और नॉर्मल कंडीशन का मतलब क्या हो गया, अगर मैं वी डैश की वैल्यू निकालूं तो वी डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी, वी डैश इक्वल टू जी मैक्स इंटू आर, आउटर रेडियस मुझे अगर पता है कैपिटल आर है अपॉन स्मॉल आर, यही होगा ना? हेलो, नॉर्मल कंडीशन में तो यही होगा ना। ग्रेडिंग करने का मतलब आपने कोई परमिटिविटी चेंज नहीं की है, एक ही परमिटिविटी का मटेरियल है, और आउटर रेडियाई अगर कैपिटल आर है और इनर मतलब कोर का रेडियस आपका स्मॉल आर है, तो आपका जो नॉर्मल कंडीशन में मैक्सिमम वोल्टेज मिलेगा वो जी मैक्स आर इंटू एल एन आर बाई आर ही मिलेगा। ये इक्वेशन फोर है, ये इक्वेशन मान लो फाइव है। तो वी और वी डैश में क्या रिलेशन होगा, V की वैल्यू V डैश से ज्यादा होगी या कम होगी? ये तो साफ दिख रहा है, तीन टर्म ऐड हो रहे हैं, V की वैल्यू क्या होगी, V डैश से ज्यादा। ये चीज ध्यान रखिएगा आप लोग कि जब हम ग्रेडिंग कर देते हैं, ठीक है,
वर्किंग पोटेंशियल या वर्किंग वोल्टेज आप कह सकते हो, वर्किंग वोल्टेज ऑफ ऑफ ग्रेडेड केबल मस्ट बी ग्रेटर देन वर्किंग वोल्टेज वोल्टेज ऑफ नॉन ग्रेडेड केबल. नॉन ग्रेडेड का मतलब क्या हो गया, नॉर्मल कंडीशन में जो आपका केबल है उससे ज्यादा ही होता है. क्लियर? आप जब न्यूमेरिकल भी सॉल्व करो तो वहां से भी देखोगे, ठीक है ना. तो ये चीज आप अपने दिमाग में रखिएगा कि अगर मैक्सिमम ग्रेडियंट हम फिक्स करते हैं एक बार नॉन ग्रेडेड केबल यूज कर रहे हैं तो आपको वीडेस का पोटेंशियल मिल रहा है. जब आपने ग्रेडिंग कर दी अलग अलग तीन लेयर की, जैसे मान लो यहाँ पे ग्रेडिंग कर दी या दो ही लेयर की कर दी, तो उस कंडीशन में आपका जो वर्किंग पोटेंशियल है या पोटेंशियल स्ट्रेंथ जो है उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है. तो V ग्रेटर देन V डैश हो जाएगा. ये चीज ध्यान रखिएगा आप लोग हमेशा. क्लियर? ठीक है. डिसएडवांटेज क्या हो जाते हैं, मतलब चलो हम यूज तो करना चाहते हैं कि हम ग्रेडिंग ऑफ केबल कर दें, लेकिन हम जनरली इसको प्रीफर नहीं करते हैं. तो ऑब्वियस सी बात है कि डिसएडवांटेजेज होंगे. क्या डिसएडवांटेजेज हो सकता है? हेलो, क्या डिसएडवांटेजेज हो सकते हैं बताओ? एनीवन? श्रुति? परमिटिविटी कांस्टेंट नहीं होती है सर. हाँ, डिफरेंट परमिटिविटी को मेंटेन करना भी एक बहुत बड़ा टास्क हो जाता है. उससे इकोनॉमी क्या हो जाती है, इकोनॉमी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी, डिस्टर्ब होगा ही होगा. क्लियर? ठीक है. तो पहला जो मेजर डिसएडवांटेज है, जो मेजर डिसएडवांटेज है, ठीक है, एक तरह से ये कह लो कि नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल वाइडली वेयरिंग परमिटिविटी, यानी वाइडली वेयरिंग परमिटिविटी, ये एक सबसे बड़ा रीजन है. क्लियर? वायरिंग वाइडली वेयरिंग परमिटिविटी के मटेरियल, ठीक है, ठीक है. तो आप ऐसे लिख सकते हो कि मटेरियल हैविंग वाइडली वेयरिंग परमिटिविटी इज नॉन अवेलेबल, यानी नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल आप लिख सकते हो यहाँ पे. क्लियर? तो आपके पास नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल है, मटेरियल मिलने को मिल जाएगा, बट क्या होगा, कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होगा वो. क्लियर? नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल है, ठीक है, और ये बहुत ही डिफिकल्ट होगा, ठीक है ना. वाइडली वेयरिंग परमिटिविटी का जो अवेलेबिलिटी है वो आपका एक तरह से डिफिकल्ट ही होगा. ठीक है. तो नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल हैविंग वाइडली वेयरिंग परमिटिविटी, आप ऐसे लिख सकते हैं इसको. क्लियर? तो ये चीज मेन डिफिकल्टी तो ये हो गई. दूसरा सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या हो सकता है, अभी हमने वोल्टेज के टर्म में कुछ लिखा है, क्या इससे भी डिसएडवांटेज हो सकता है? हेलो बेटा, आवाज कट गई आपकी. यशवंत? तो वोल्टेज तो इंक्रीज हो रहा है ना, इंक्रीज हो रहा है ना ग्रेडेड केबल का. हाँ, ग्रेडेड केबल हमें सेम वर्किंग स्ट्रेस रखना है, लेकिन हम ग्रेडेड केबल केस में क्या देख रहे हैं, अभी हम न्यूमेरिकल वगैरह देखोगे ना, ये जो स्ट्रेंथ है ना, अगर हम लेयरिंग ज्यादा करते जाते हैं ना, तो हमारा जो स्ट्रेंथ है ना नियरली 45% बढ़ जाता है. जितना पोटेंशियल चाहिए होता है ना उससे 45% इंक्रीज कर जाएगा. अगर जो वी क्या एक तरह से वी जो है कोर में जो आपका जो मेन जो कंडक्टर कैरी कर रहा है वोल्टेज, वो वोल्टेज है. क्लियर? अगर हम लेयरिंग बढ़ाते जा रहे हैं तो वो वोल्टेज एक तरह से इंक्रीज होता जा रहा है. इंक्रीज होने का मतलब क्या हो गया कि इतना भी इंक्रीज ना हो जाए कि क्या हो जाए, इंसुलेशन ब्रेक वो ब्रेक कर दे. क्लियर? एक तरह से आपका जो रप्चर, मतलब रप्चरिंग का मतलब क्या होता है, अचानक से बहुत हाई वैल्यू की एनर्जी मिल जाना जिसकी वजह से हो सकता है विस्फोट हो जाए. क्लियर? तो रप्चर हो सकता है नॉर्मल वोल्टेज, मतलब आपका जो नॉर्मल वोल्टेज का कंडीशन है वो कंप्लीट रप्चर हो सकता है. तो आप ये कह सकते हो कि कंप्लीट रप्चर एट नॉर्मल वोल्टेज, मैं क्या बोल रहा हूँ, एट
नॉर्मल वोल्टेज. नॉर्मल वोल्टेज का मतलब क्या है कि विदाउट ग्रेडिंग, आपको पता है कि आपका जो कंडक्टर कैरी कर रहा है एनर्जी उसका पोटेंशियल लेवल अगर वी डैश है, आपने ग्रेडिंग कर दी तो उसकी वैल्यू क्या जा रही है, वी की वैल्यू मच ग्रेटर देन वी डैश हो जा रही है. तो इसकी वजह से क्या हो जा रहा है, नॉर्मल वोल्टेज पे आपको लगभग एक तरह से दोगुने पे, ठीक है ना, 40-45% तक आपका मतलब पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है. मतलब क्या हो गया, वो 40% इंक्रीज वैल्यू है, तो उस केस पे आपका रप्चरिंग भी पॉसिबल है. इस वजह से हम इस मेथड को प्रीफर नहीं करते. और आजकल का जो सिनेरियो ना, करंट सिनेरियो, हम मतलब इंसुलेशन ज्यादा प्रोवाइड यानी ये लेयरिंग वगैरह करने के बजाय हम फोकस करते हैं ऑयल फील्ड या गैस फील्ड केबल हम यूज करें हाई पोटेंशियल लेवल पे, क्योंकि रिसर्च वर्क उसमें हो चुके हैं. तो इंसुलेशन प्रोवाइड करने के लिए हम गैस फील्ड या ऑयल फील्ड मटेरियल भी यूज कर लेते हैं, ताकि इन सब चीजों की जरूरत न पड़े ये ग्रेडिंग वगैरह की. क्लियर है चीज? हेलो हेलो. यस यस सर. ठीक है, तो कैपेसिटेंस ग्रेडिंग क्या होती है क्लियर है, और कितने तरह का होता है ये चीज ध्यान रखना. सेम सेफ्टी फैक्टर एंड सेम वर्किंग स्टेज, दोनों में डिफरेंस है. तो दोनों चीजें दिमाग में होनी चाहिए और दोनों के बेसिस पे ही आपको लिखना भी है. क्लियर? किसी कोई डाउट है?